गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ नेहा बिस्ट फैमिली। तो गाइस, आपने मेरे को देखा होगा लास्ट ब्लॉग में कि मैं दिल्ली से कतर के लिए जो मैं फ़्लाइट पकड़ी थी लास्ट वीक, मैं फ्राइडे को मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं वहां से अभी कतर में आ चुका हूं। तो ये देखिए जो हमको जो अकोमोडेशन मिला है कंपनी की तरफ से, तो शेयरिंग है, मतलब स्टाफ में एक के साथ एक और बंदे हैं। तो जो मेरे रूममेट हैं वो भी रिगिंग सुपरवाइज़र हैं, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, ये हमको जो रूम मिला है, जो हमारा अकोमोडेशन है कंपनी की तरफ से, बहुत ही अच्छा है। स्टाफ में 1x1 है, मतलब दो बंदे एक साथ है एक रूम में। तो जो मेरे रूममेट हैं वो भी रिगिंग सुपरवाइज़र हैं, तो उनका नाम मुन्ना सिंह है, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे नेचर है इनका, बहुत ही बढ़िया है। तो हम दोनों लास्ट फ्राइडे की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं लास्ट फ्राइडे को आया, तो ये मुझसे जस्ट 3 डेज एगो ये भी यहाँ पे आए हैं। तो आइए आपको उनसे मैं मिलवाता हूँ। तो गाइस, ये रहे मेरे रूम पार्टनर मुन्ना सिंह जी, बताइए अपने बारे में आप। ओके भाई, नमस्कार। ये हमारा सेफ्टी ऑफिसर है, बहुत अच्छे आदमी है। हम इनसे तीन दिन बाद आया इधर, पहले आया, ये मेरे से 3 दिन पीछे आए। इनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत स्वाभाविक है। हम लोग एक ही जॉब पर है, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा से काम कर रहा है। और एक कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जबरदस्त की कौन। इसमें भी पहले मैं 2019 में काम किया, 2019 में, और इसके पहले मैं जनवरी में इधर से गया। मैं पहले कतरे था दूसरे कंपनी में, NHS गल्फ एशिया। उसके बाद मैं रिजाइन लगा कर 30 जनवरी को इधर से गया, और उधर से 8 फरवरी को मुंबई आया, और 10 फरवरी को मेरा फ्लाइट हो गया। मैं यहाँ 11 फरवरी को आ गया, और हम लोग का काम चल रहा है। ओके गाइस, आप लोगों भी जो वीडियो देखे कि कौन में आने का कोशिश करिएगा, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, कंपनी का जोर नहीं है, भी अच्छी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। फोरमैन को देते हैं 3,000 से 3,500, सुपरवाइजर को 5,000 से 7,000 एक टावर्स। और ये देखिए रूम भी देखिए, अलमीरा है, और ये हैंगिंग कपड़े डालने के लिए है, ये देखिए लाइट, और ये है बेड, और इसी, और ये वॉशरूम अटैच है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो फैसिलिटीज मिला जुला करके सारी फैसिलिटीज़ अच्छी है। तो ये देखिए, ये अटैच वॉशरूम है, ये देखिए, ये अपना ये हो गया टॉयलेट, और ये वॉशरूम हो गया, ये देखिए नहाने के लिए, बहुत ही बढ़िया है। मिला जुला कर आप कहिए, आप अगर गल्फ में आते हैं, और गल्फ में आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं जॉब पर्पस से, और वैसे तो बहुत अच्छा है ये। तो अभी हम दोनों जस्ट बैठे थे, क्योंकि देखिए अब बाहर जब हम आते हैं तो गल्फ में आके होता क्या है कि हम एक फैमिली बन जाते हैं ना, एक परिवार बन जाता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जैसे गाँव ये आए थे मेरे से 2-3 दिन पहले, तो इन्होंने मेरे को बोला कि चलो हम खाते हैं। तो ये देखिए, ये अपने घर से लाए हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और जो बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी बिहार से, उनको पता होगा कि ये क्या है। बोलो जी, क्या है ये अपना भूंजा है, देसी भूंजा, बिहारी भूंजा, और चना, चिवड़ा, मकई, बादाम, काजू, और मिक्स है, और जिसे खा के बहुत मज़ा आता है। तो यही प्यार मोहब्बत ऐसे रहता है, बना रहता है। अलग अलग स्टेट से आते हैं, इंडिया से, पर सब यहाँ पे आके एक फैमिली। जितना भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी काम करो, इंडिया में काम करो या गल्फ में काम करो, सबसे मिलजुल कर रहने का यही हम लोग का फैमिली है, यही एक सेम घर है। और किधर भी अच्छा से काम करो, सेफ्टी से काम करो। हम लोग अपना परिवार छोड़ कर रहे हैं, अच्छे से पैसा कमा कर घर बेचे, घर भेजें, बाल बच्चा पढ़े हम लोग। ओके, थैंक यू। ओके जी, ओके। तो अभी हम जाएंगे, तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसा है कैंप, कितना बढ़िया कैंप है, और सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जिम है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए है, सब कुछ है। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस, ये देखिए हमारा कैंप है, अल बैत कैंप। ये देखिए, ये पीछे आप जो देख रहे हैं नज़ारा, ये फुटबॉल स्टेडियम है, अल बैत फुटबॉल स्टेडियम, जहाँ पर ब्राज़ील का मैच हुआ था। ये देखिए कैंप है, ये अल बैत कैंप। तो छुट्टी हो चुकी है, सब लोग आ रहे हैं साइट से
टाइम पे, तो काफ़ी लाइफ टफ हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग उठो और नाइट में आते हैं राइट फैमिली को छोड़ के। तो यहाँ पे आके एक दूसरे से लोग एक दूसरे का परिवार बन जाते हैं। ये बैक साइड पे ये हमारा मेस हॉल है और ये देखिए क्लिनिक लिखा हुआ है। ये हमारा कैंप का ऑफिस है, कैंप ऑफिस। और ये देखिए साइड से आदमी आ गए हैं, जा रहे हैं सब अपने रूम पे भाग भाग के। तो गाइस अभी हम दोनों जा रहे हैं दोहा घूमने के लिए, है ना? तो घूम के आएंगे ना दोहा, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्योंकि कल हमारा ऑफ है, छुट्टी है कल, तो दोनों जा रहे हैं। बस वेट कर रहे हैं अपने टैक्सी का, कॉल कर दिया उसको हमने थोड़ी देर में, वो भी कह रहा है आ रहा हूँ मैं और अलखोर गया हुआ है, तो विद इन 5 मिनट में वो आ जाएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो ये रहा हमारा कैंप, ये देखिए अलविदा मेट्रो स्टेशन में मुझे उतरना है, वहाँ पे मेरा ब्रदर वेट कर रहा है। तो देखिए आप, तो गाइस ये आ गया मेट्रो स्टेशन से, देखिए नीट एंड क्लीन कितना है, इतनी बनता है। गाइस आ गया है अलविदा मेट्रो स्टेशन में, मैं पहुंच गया हूँ। अगर जस्ट
भाई ब्रदर मेरा वहाँ वेट कर रहा है, तो उनसे मिलता हूँ। ये देखिए अलविदा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, अभी जस्ट उतरा हूँ मैं अलविदा मेट्रो स्टेशन पे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक्सपो 2020 दुआ का था। कतर जो जस्ट अभी हुआ है, दुबई, ये सॉरी कतर एक्स और 2023 है। बढ़िया सॉरी का पेड़, और पेड़ देखिए कितने बड़े बड़े लगे हैं, और ये काफ़ी रसीले पेड़ है। अभी हमने पहले तोड़े थे,
ये है ना सबसे बड़ा मॉल यहाँ का। बड़ा तो नहीं बट महंगा है। हाँ बट ये काफ़ी कॉस्टली है, लग्जरियस मॉल है ये वाला। और ये देखिए GT, काफ़ी बड़ा मॉल है ये। और ये देखिए हर जगह बेर के पेड़ है, यहाँ पे बेरीज लगे हुए हैं काफ़ी। ये देखिए गाइस ये है मैन लिफ्ट, इसे मैन ऑपरेट करता ऊपर से भी और नीचे से भी। ये लाइट वाइट या कोई भी काम के लिए यूज़ होता है चेंज करने के लिए। तो हमें जाना है इज़्ज़ा बिल्डिंग में, ये देखिए दोहा ओएसिस। और ये वॉक सिनेमा मल्टीप्लेक्स चाहिए तो ज़्यादा। तो ये पार्किंग हम जिसमें हम जा रहे हैं इज़्ज़ा बिल्डिंग की। तो ये देखिए पार्किंग सिस्टमेटिकली यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं, सब ने अपने अपने पार्किंग में। और मोस्टली यहाँ रिवर्स पार्किंग होती है गल्फ में, अगर आप आएंगे तो रिवर्स पार्किंग ही होती है। ये देखिए महंगी महंगी लग्जरियस गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पार्किंग में ही खड़ी है। और एक वो अंडरग्राउंड पार्किंग है। ये देखिए सुजुकी भी है यहाँ पे, फोनेक्स। हाँ जो जीतनी है उसकी। हाँ हाँ कही है। तो हम जा रहे हैं लिफ्ट से क्योंकि थर्ड फ्लोर है, तो थर्ड फ्लोर पे हमें जाना है। ये है इज़्ज़ा बिल्डिंग, मोस्टली ये इज़्ज़ा है जो है इसकी ही यहाँ पे जितने भी है फुली फर्निश्ड। तो अभी हम आ गए हैं लिफ्ट से बाहर, तो चलते अपने रूम की तरफ। तो ये है थर्ड फ्लोर में, ये कितना मंजिल है? 11 फ्लोर है इसमें, 11 फ्लोर है। तो हम थर्ड फ्लोर में, ये हमारा रूम है ब्रदर का जहाँ पे थे। तो हम गए थे थोड़ा कुछ ग्रोसरी का सामान लेने के लिए, तो थोड़ा बहुत हमने परचेज किया है सामान। यहाँ से देखिए का भी हुआ। मौसम बहुत अच्छा है कतर में, इतनी ज़्यादा अभी गर्मी नहीं है क्योंकि फैब चल रहा है फरवरी के मंथ, तो मौसम अभी बहुत अच्छा है हल्की धूप के लिए। बट यही अगर अप्रैल के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, एज जैसा अपने दिल्ली में माहौल होता है सेम ऐसा ही हो जाता है यहाँ पे भी, गर्मी बढ़ जाती है। तो गल्फ कंट्रीज़ में अगर आप आते हैं तो मोस्टली नवम्बर से लेके फैब तक यही 3-4 महीने अच्छे होते हैं घूमने के लिए, अदरवाइज़ यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बाहर निकल नहीं सकते आप, शाम को ही निकलना पड़ेगा। फिर आपको अगर आप समर में आते हैं तो बाहर का व्यू
और ये है हमारा कमरे जो भाई ने दे रखा है यहाँ पे। जब भाभी आए थे तो उन्होंने ये सब लगाए थे प्लांट्स, है ना, वही प्लांट ये सब। ये तुलसी भी लगी है यहाँ पे, तो रूम काफ़ी अच्छा है। तो ये है बेडरूम है, ये बेडरूम है, बेडरूम में भी ये देखिए विंडो, जब भी आप देख सकते हैं बाहर। और ये है वॉशरूम, और बाकी एक ये रूम है ड्राइंग रूम जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग हॉल, और बाकी ये है किचन। तो अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लंच बनाने के लिए, तो हम मार्केट गए थे, हम लेके आए वहाँ से चिकन। तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को यहाँ ऑफ ही होता है, हॉलीडे है। तो ये देखिए चिकन की प्रिपरेशन चल रही है अभी हमारी, तो दिन में हमने बनाना है चिकन। रूम वैसे काफ़ी मैच तो रखा है, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, जैसा था वैसे ही छोड़ के गए थे, बस चाय नाश्ता करने के लिए बाहर, तो करके आ गए अभी हम रूम में। Thank you.